हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एप्लेट में एनिमेशंस के थ्रू हम किस किस तरह से अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखिए, एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एप्लेट्स के थ्रू आपको ये इस तरह का एक हाउस डिज़ाइन करना है। तो ये करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला जो काम आपको इसमें करा लेना होगा वो ये कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि इसमें अलग अलग शेप्स कौन कौन से हैं। देखिए, अगर मैं बोलूँ ये आपका एक ओवल बन रहा है, ये एक आपका एक आर्क बन रहा है, 0 से 180 डिग्री तक का एंगल। इसमें दो और रेक्टेंगल है, एक तो ये वाला रेक्टेंगल है और एक ये अंदर वाला रेक्टेंगल है। ओके, इस तरह से तीन अलग अलग शेप्स मुझे क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। चलिए, ये काम हम लोग करा लेते हैं। सबसे पहला काम जो आपको इसमें करना होगा वो ये कि आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करने पड़ेंगे ओरिजिन ऑफ रेफरेंस के। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ, सपोज मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट के मैं पॉइंट्स बना देता हूँ। सपोज एक्स कोऑर्डिनेट है इसका 10 और इसका वाई कोऑर्डिनेट है 50। अब आप ये जो वाला रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और ब्रेथ आप डिसाइड कर लीजिए। तो वो हम लोग मैं डिसाइड कर लेता हूँ। सपोज़ मैं बोलता हूँ इसकी जो विड्थ है वो मैं बोलता हूँ कि 50 है, और इसकी जो हाइट है वो मैं बोल देता हूँ सपोज़ 100 है। तो सबसे पहला काम मैं ये करा लेता हूँ। देखिए, एक्स वाई मेरे को एक रेक्टेंगल बना रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट मैंने स्पेसिफाई कर दिए। तो ये काम मैं बड़ी आसानी से करा सकता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं क्या लिखूँगा, g डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल। एक्स कोऑर्डिनेट है 10, वाई कोऑर्डिनेट मैंने लिया था 50, विड्थ मैंने ली थी 50 और हाइट मैंने ली है 100। इस तरह से मैंने काम करा लिया। अभी अगर मैं इसको चला देता हूँ Shift+F6, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो देखिए आपके पास ये एक रेक्टेंगल तैयार होके आ गया है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे कैसे कराना है काम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जाते हैं और अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट है। सपोज़ मैं बोलता हूँ कि यहाँ से लेकर, देखिए इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, सपोज़ मैं बोलता हूँ डिस्टेंस जो है वो 50 है। ओके, आपको थोड़ी सी इसमें ट्रिकी थोड़ा सा हो जाएगा। देखिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट 10 था और मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सपोज 25 है। ओके, 10 से 15 यूनिट्स आगे है। देखिए, तो ये 10 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पर 15 है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसकी लोकेशन क्या हो गई बताइए। इस कोऑर्डिनेट की लोकेशन हो गई है 25, 100। ये वाला जो है, ये जो कोऑर्डिनेट है, इस रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट है, इसकी एक्स और वाई जो अपर लेफ्ट कॉर्नर एक्स और वाई है वो है 25 और 100। सपोज़ मैं बोलता हूँ इसकी जो विड्थ है वो 20 है और इसकी हाइट कितनी होगी, देखिए इतना डिस्टेंस 50 है, टोटल डिस्टेंस 100 है। तो इस वाले रेक्टेंगल की, अंदर वाले रेक्टेंगल की जो हाइट है वो कितनी निकल के आएगी, 50 निकल के आएगी। तो ये रेक्टेंगल भी मैं आसानी से क्रिएट कर सकता हूँ। आई थिंक ये भी करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ g डॉट ड्रॉ रेक्ट। ओके, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मैंने क्या दिए हैं, 25, वाई कोऑर्डिनेट मैं दूंगा 100, विड्थ I will give as 20 which I discussed and height will I set as 50। Okay, तो अगर मैं इस तरह से करा दूंगा तो आप देखेंगे कि आपको इस तरह से एक और रेक्टेंगल मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको कैसा मिल रहा है। ओके, हमारा अब बस हमको घर का ये जो हमारा हाउस, इसका एक रूफ हमको इस तरह से तैयार करना है। तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए किस तरह से हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर मैं जाता हूँ और जो ये जो आपका आर्क है, ये आर्क जिस रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है उसकी जो मिडिल पोजीशन है वो मेरा क्या बन जाएगा, उसकी जो टॉप लेफ्ट पोजीशन है वो मेरा क्या बन जाएगा, एक्स और वाई बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट सपोज 10 और हाइट सपोज मैं ले लेता हूँ सपोज 30। ओके, और फिर मैं इसकी विड्थ ले लेता हूँ 40। तो इतना डिस्टेंस है 20 और मैं इसकी इसकी देखिए ये जो आपकी इसकी हाइट है वो मैंने 20 और 20, 20 ऊपर 20 नीचे मैंने 40 ले ली, और फिर मैंने जो इसकी जो टोटल विड्थ है वो मैंने कितनी रखी, 50, और स्टार्टिंग एंगल है 0 और एंडिंग एंगल है 180। ओके, तो आपकी जो इसकी विड्थ है वो देखिए कितनी है, 50 है, हाइट है 40 और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 10 और 30 और स्टार्टिंग एंगल 0 है और एंडिंग एंगल है 180। ओके, अगर मैं इसको बना देता हूँ तो देखिए किस तरह से बनेगा। यहाँ पर मैं जाता हूँ जी डॉट ड्रॉ आर्क बनाना है मुझे। ओके, यहाँ पर मैं जाता हूँ जी डॉट ड्रॉ आर्क और एक्स कोऑर्डिनेट है 10, वाई कोऑर्डिनेट मैं लेता हूँ 30, विड्थ सपोज आई विल टेक एज जो हम लोग ने डिस्कस करा, विड्थ मेरी 50 थी, हाइट जो विड्थ आई डिस्कस इट वॉज 40,
and starting angle was 0, ending angle is 180. Okay, इस तरह से मैंने काम करा लिया. अब अगर मैं इसको चला देता हूँ, Shift F6, देखिए आपका house तैयार हो गया है. ऊपर जाके इस तरह से मैंने house तैयार कर लिया. अब आप you know कोई भी इसमें काम करा सकते हैं. For example यहाँ पर जाके मैं आप color set कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अगर मुझे कोई color proper यहाँ पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें आप animation और दे सकते हैं. G. suppose मैं बोलता हूँ set color और यहाँ पर मैं बोलता हूँ okay color dot red. ओके यहाँ पर मैंने रेड कलर बना दिया, ये वाला रेड कलर का आएगा. फिर जो नीचे वाला आर्क है वो मैं सेट कर देता हूँ. इसको मैं ना कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट हूँ, कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसी चीज़ को यहाँ पे ले जाके इधर पेस्ट कर देता हूँ. तीनों जगह के लिए मैं अलग अलग कलर सेट कर देता हूँ. सपोज़ यहाँ पर मैं सेट करता हूँ ग्रीन कलर और यहाँ पर मैं सेट करता हूँ येलो कलर. ओके इस तरह से मैं जब काम करा लूँगा तो अगर आप देखेंगे तो आपका एक बेसिक एक अच्छा एक शेप यू नो विद गुड डिज़ाइन. ओके यहाँ पर ये ऐसा आ रहा है तो मैं काम करता हूँ ड्रॉ रेक्टेंगल करने की बजाय मैं क्या कर देता हूँ फिल कर देता हूँ ताकि जो कलर है वो पूरा फिल हो जाए. उस तरह से आर्क ड्रॉ करने की बजाय मैं क्या कर देता हूँ फिल कर देता हूँ. उस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करने की बजाय यू नो मैं क्या कर देता हूँ फिल कर देता हूँ. शिफ्ट F6 अगर मैं इसको चला देता हूँ तो आपके पास ये एक इस तरह का एक शेप तैयार होकर आ गया जो कि आपने एप्लेट्स के थ्रू आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया. ठीक है, जब मैंने यहाँ पर कलर डॉट येलो सेट करा तो जो नीचे वाला जो रेक्टेंगल था उसका कलर क्या बन के आ रहा था येलो. ओके तो अब आई थिंक आपको एग्जाम में किसी भी तरह का कोई शेप आए तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं इसके थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हैं. ओके थैंक यू सो मच.